हेलो दोस्तों, प्रो ज्ञान चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपनी को क्रिएट करना टैली में सीख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि उसमें लीजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ लाइक को दबाना ना भूले ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। तो दोस्तों, लीजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको अपने गेटवे ऑफ टैली पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने टैली एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन देगा। तो इस जगह पे आते ही आपको अपने अकाउंट इन्फो में जाना है। दैट मीन्स सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा। वहां से आपको अकाउंट इन्फो में जाना है। तो अकाउंट इन्फो में जाने के लिए या तो सिंपली आप ए प्रेस करें, या फिर आपका अकाउंट इन्फो ही सिलेक्टेड है तो इंटर प्रेस कर दे। तो हम ए प्रेस करके अकाउंट इन्फो में जाते हैं। अब अकाउंट इन्फो में हमको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, जैसे ग्रुप्स, लीजर्स, वाउचर टाइप्स और क्वाइट। तो हमको यहाँ पे लीजर क्रिएट करना है तो सिंपली हम लीजर वाले ऑप्शन पे अपने कर्सर से चले जाएंगे, या फिर एल प्रेस करके हम लोग लीजर ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको दिखाएगा कि सिंगल लीजर में या तो आपको क्रिएट करना होगा, डिस्प्ले करना होगा, या फिर अल्टर करना होगा, डिलीट करना होगा उसको, या उसमें कोई चेंजेस लाना होगा। उसके बाद मल्टीपल लीजर भी ऑप्शन दे रहा है। तो मल्टीपल लीजर में आप क्या कर सकते हैं कि एक टाइप का, जैसे हर एक लीजर का एक ग्रुप होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, डायरेक्ट इनकम हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो आपको उस पार्टिकुलर ग्रुप में एक ही साथ बहुत सारे लीजर क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिंगल लीजर ही क्रिएट करना सीख लेते हैं और बाद में देखेंगे कि मल्टीपल लीजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हमको सिंगल लीजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्योंकि हमारे पास कौन कौन सा लीजर ऑलरेडी है, इस चीज को पहले हम लोग देख लेंगे तो जाके हम अगले लीजर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले करते हैं लीजर्स को। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी आप क्रिएट कीजिएगा तो वहाँ पे ऑलरेडी दो लीजर, एक कैश अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो लीजर क्रिएट ऑलरेडी होगा। तो आपको इसके अलावा जो भी लीजर होंगे वो खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल लीजर क्रिएट करके देखते हैं। सिंगल लीजर में सबसे पहले हम कैपिटल क्रिएट करते हैं। हो गया दोस्तों। अब कैपिटल जो है किस ग्रुप में आता है, लीजर कैपिटल जो है वो किस ग्रुप में आता है, उस ग्रुप को यहां से आपको सिलेक्ट करना है। लिस्ट ऑफ ग्रुप है, यहां से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से ग्रुप में आता है। तो कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हमारा आता है, तो हम सिंपली कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। और उसके बाद कंट्रोल और ए प्रेस करके इस लीजर को हम लोग सेव कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मेरा लीजर सेव हुआ या नहीं हुआ है। डिस्प्ले ऑप्शन पे गए, देखिए दोस्तों एक नया लीजर हमारे पास शो कर रहा है, वो कैपिटल लीजर है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम कोई भी लीजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक और लीजर हम लोग क्रिएट करके देख लेते हैं, शेयर का, ये भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है। तो हमारा कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिंपली कंट्रोल और प्रेस करेंगे और ये भी लीजर हमारा सेव हो गया। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सेव हुआ है कि नहीं हुआ है।
देखिए दोस्तों, कैश अकाउंट, कैश भी हमारा, सॉरी शेयर भी हमारा क्रिएट हो चुका है, शेयर लीजर भी क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग एक मल्टीपल लीजर का ऑप्शन को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मल्टीपल लीजर में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको किस टाइप के लीजर को क्रिएट करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इनडायरेक्ट इनकम का पहले देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट इनकम में कैसे क्रिएट करेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑप्शन को, इनडायरेक्ट इनकम ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स, और इसके बाद हम लीजर का नाम देना शुरू करते हैं। तो रेंट रेक जो होता है वो इनडायरेक्ट लीजर में आता है, तो हम रेंट रेक पहले लेते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है इस चीज को भी मेंशन करना जरूरी होता है, तो इसको हम लोग खाली छोड़ के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम में इंटरेस्ट रेट आता है, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा दो जो है वो लीजर क्रिएट हो चुका है। अगर आप और भी ऐड करना चाहें तो इसी तरह ऐड कर सकते हैं, और जब आपका कंप्लीट हो जाए लीजर क्रिएशन तो कंट्रोल और ए प्रेस करेंगे, आपका लीजर सेव हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि हमारा लीजर सेव हुआ है या नहीं हुआ है। हम लोग रेंट रेक और इंटरेस्ट रेक दो लीजर क्रिएट किए हैं मल्टीपल लीजर के द्वारा, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट रेक और रेंट रेक दो लीजर हमारा क्रिएट हो चुका है। दोस्तों इस तरह से हम लोग लीजर टैली में क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए और ADCA कोर्स YouTube पे करने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के रखें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।